माइनक्राफ्ट 1.19 सर्वाइवल सीरीज के 9th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में मैंने बनाया था ये वाला शुगर के फार्म जो कि बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आज मैं बनाऊंगा एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखने वाला एन्चेंटिंग रूम, तो इसी वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे रात होगी तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सो जाता हूँ और मैंने यहाँ पे आयरन फार्म वाले इस वाले लीव्स को भी एक्सटेंड कर दिया जिससे आयरन गोलम किलिंग चैम्बर पे स्पॉन हो रहे, अब नीचे स्पॉन नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ से थोड़े पोटैटो कलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। तो गाइस मुझे जो जो सामान चाहिए अपने इस एन्चेंटिंग रूम को बनाने के लिए वो मैं यहाँ से सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए बहुत सारे ओक लोग। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सैपलिंग है तो इनको मैं यहाँ पे प्लांट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोन मील बना के इनको ग्रो भी कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से रात हो गई तो यहाँ पे मेरे सारे पोटैटो भी कुक हो चुके हैं। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने एक्स फार्म में, यहाँ पे बहुत सारे बोन्स को कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर तक KFK करता हूँ। One eternity later. तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन है, चलो मैं इनको यहाँ पे मार देता हूँ। और यहाँ से मैं सारी बोन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ और चेस्ट में जितनी सारी बोन्स और आर्मर उसको मैं यहाँ पे बाहर फेंकता हूँ ताकि ये डिस्पोन हो जाए। तो गाइस अब हम यहाँ से चलते हैं वापस अपने बेस की तरफ। तो गाइस अब मैं यहाँ पे थोड़ी बोन मील बनाता हूँ और इनको मैं यहाँ पे ग्रो कर देता हूँ। और यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता आ गया तो मैं जल्दी से इनको ग्रो करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फिर से रात हो गई, अब मैं सारे ट्रे को यहाँ पे चॉप कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर रहा था अपने थे आयरन के एक स्वॉर्ड और एक एक्स। तो यहाँ पे अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फिर से रात हो गई, उसके बाद फिर मैं काफी सारे टाइम तक बहुत सारे ट्री को प्लांट करता हूँ और उनके ग्रो होने का वेट करता हूँ। जैसे वो ग्रो हो जाते तो मैं उनको यहाँ पे ड्रॉप कर लेता। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास इनर वुड हो चुकी है और यहाँ पे मुझे चाहिए थोड़े लीव्स। अब मैं जा रहा हूँ सामने वाले एरिया पे, वहां से मैं बहुत सारे स्प्रूस के लोग को भी कलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सैपलिंग। तो मैं दोबारा से जा रहा हूँ अपने एक्सपी फार्म में, यहाँ पे मैं थोड़ी देर तक और AFK करता हूँ। 5 minutes later. तो गाइस जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा स्केलेटन आ चुके हैं, जल्दी से मैं इनको यहाँ पे मार के सारी बोन्स को कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे बहुत सारी बोन्स हो चुके, तो मैं यहाँ से वापस चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे ट्री को ग्रो करके जॉब करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक आयरन की स्वॉर्ड और एक्स। तो जल्दी से मैं सारे ट्री को चॉप करता हूँ। गाइस यहाँ पे फिर से रात हो चुकी है, मैं सो जाता हूँ। और इसके साथ मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ी स्लैब, फेंस, ट्रैप डोर, ओके ट्रैप डोर, बटन, चेस्ट, लैंटर्न, एनविल, ग्राइंडस्टोन। अब मैं जा रहा हूँ माइन में, वहां से मैं बहुत सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा ऑब्सीडियन तो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं स्लैब ब्लॉक को माइन करके जाता हूँ यहाँ पे लावा आ जाता है, यहाँ पे मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ। यहाँ पे एक बार फिर से ऐसा होता है, यहाँ से सामने से लावा आते हैं लेकिन मैं यहाँ पे पानी पा के बच जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक एन्चेंटिंग टेबल और मैं यहाँ पे सारे गोल्ड को स्मेल्ट कर देता हूँ जिससे मैं ट्रेड करूँगा पिगलिन के साथ। यहाँ पे एक ट्रेडर है जो कि मुझे दे रहा है ये कैल्प, तो इससे मैं ये खरीद लेता हूँ। तो कैसे अपन चलते सीधा नेदर में अपने सारे गोल्ड को लेके, और मैं यहाँ पे इसलिए पिगलिन से ट्रेड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे लेदर बुक शेल्फ बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक KFK करता हूँ। तो गाइस इसने बहुत सारी ट्रेड यहाँ पे कर दो, मैंने इसको यहाँ पे मार दिया। तो देखते मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला। अरे यार मुझे तो यहाँ पे लेदर मिला ही नहीं। चलो हम यहाँ से अपने ओवरवर्ल्ड वापस चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेते हैं एक छोटा सा बार्न जहाँ पे मैं काउस को ब्रीड कराऊंगा, और यहाँ पे मैं ले आता हूँ दूसरी काउ भी, और जल्दी से मैं इनको यहाँ पे बंद कर दूँ वरना ये बाहर भाग जाएगी। उसके बाद फिर मैं काफी सारे टाइम तक इनकी ब्रीडिंग करवाता हूँ। One eternity later. तो गाइस अब मैं इसलिए एरो को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ, और जैसा कि आप पे देख सकते हो कितनी सारी काउस हो गई है। जल्दी से इनको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़े पेपर क्राफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी बुक्स, और यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ 21 बुक शेल्फ। तो यहाँ पे मैं सारे खाने को भी कुक पे लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी जगह को प्लेन कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में।
तो फाइनल गेस मैंने सारी जगह यहाँ पे प्लेन कर दिया है, तो अपना एंटरटेनमेंट रूम बनाने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस हमारा एंटरटेनमेंट रूम यहाँ पे बन चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, और ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो गाइस इस वीडियो के सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प करी है रिक्की गेमर ने, अब जाके उनके चैनल को चेकआउट करना। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो कर देना सब्सक्राइब। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।